हाय अगेन। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने किस लिए लिया है, ताकि मैं तुमको सिखा सकूँ कि अपन जो कंसेप्ट सीख चुके होते हैं ना, जो अपने को कंसेप्ट आए हुए होते हैं, उन कंसेप्ट का ये लोग कैसे यूज़ करवाते हैं हम लोगों से, ठीक है। और उसके कितने अलग अलग वेरिएशन ये लोग पूछ सकते हैं, और कैसे भी अपन अपने पास वो कंसेप्ट यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मतलब कितने वेरिएशन डेवलप हो सकते हैं और अनलिमिटेड इन्फाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन बोला सम ऑफ एलिमेंट। सम ऑफ एलिमेंट में क्या खासियत है कि एक एरे दे रखा है, ठीक है, एक एरे दे रखा हुआ अपने को, और इसकी एलिमेंट्स का सम नहीं करना है, सिंपल सम नहीं करना है। क्या एक और ट्विस्ट है कि के वन दे रखा है, के टू दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, के वन मतलब क्या है, के वन स्मॉलेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर के टू इथ स्मॉलेस्ट, राइट। तो अपने को के वन स्मॉलेस्ट और के टू स्मॉलेस्ट, मतलब कि के वन क्या है, थर्ड स्मॉलेस्ट और सिक्स स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो इसमें से थर्ड स्मॉलेस्ट और सिक्स स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, लेट्स से अभी इसको सॉर्ट कर लेते हैं। देखो 1, 3, 5, 11, 12, 15। सो ये लाइन से लगा दिया मैंने, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये थर्ड स्मॉलेस्ट है, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये सिक्स स्मॉलेस्ट। तो इन दोनों के बीच में जो आ रहा है, बिटवीन के वन और के टू स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में जो आ रहा है, उनका सम करना है। तो बेसिकली 11, 12 आ रहा है, तो 11 प्लस 12 करेंगे अपन और आ जाएगा 23, और अपने को रिटर्न करना होगा आउटपुट में 23, ठीक है। क्या कर सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने को करना ही क्या है, अपने को के वन निकालना आता है, मतलब अपने को कोई भी नंबर केथ स्मॉलेस्ट नंबर निकालना आता है। अपन केथ स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे, जो अपन ये वाला फंक्शन लिख चुके हैं केथ स्मॉलेस्ट नंबर। तो केथ स्मॉलेस्ट नंबर अगर अपन निकालेंगे थर्ड स्मॉलेस्ट, तो अपने पास 5 आ जाएगा, सिंपल है। फिर अपन दोबारा केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, इस बार कौन सा, के इज इक्वल टू 6 रख देंगे। एक ही बार फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने को, बस वो के की वैल्यू चेंज चेंज करके डाल देंगे। एक बार फंक्शन बना देंगे, उसमें एरे और के डाल देंगे स्मॉलेस्ट फंक्शन के लिए, जहाँ पर साइज इज ग्रेटर देन के होता है, बस वहाँ पर के की वैल्यू बार बार दो बार चेंज कर देंगे। एक बार 3 कर देंगे, एक बार 6 डाल देंगे मेन फंक्शन से, राइट। सो एक बार ये आ जाएगा, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 15। लेट्स से इसको अपन ने फर्स्ट में स्टोर कर लिया और सेकंड में स्टोर कर लिया। फिर अपन इस एरे को ट्रावर्स कर लेंगे, इस एरे को यहाँ पर ट्रावर्स कर लेंगे। जो सा भी एलिमेंट इसके बीच में आ रहा हो, जो भी 5 से ग्रेटर हो, 15 से छोटा हो, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये 5 से ग्रेटर है, 15 से छोटा, ये आ जाएगा। ये 5 से ग्रेटर है, नहीं, ये 5 से ग्रेटर है, हाँ है, पर 15 से छोटा है, नहीं, ये नहीं आएगा। ये फिर अपन इसको एरे को ट्रावर्स कर लेंगे, जो भी एलिमेंट बचेंगे उनको सम कर लेंगे, इफ कंडीशन लगा के, इफ कंडीशन लगा के 12 और प्लस 11 आ जाएगा। यहाँ से इफ क्या लिख देंगे, इससे जो भी 5 से ग्रेटर हो और एंड एंड लेस देन 15, है ना, जो कि फर्स्ट और सेकेंड से ग्रेटर और लेस देन आ जाए, तो फिर अपन उसका सम कर लेंगे। अच्छा सिंपल है ना, बस के स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही निकालना है, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट एक बार निकालना है, और इसका जब 3 के साथ तुमको यहाँ पर के 3 के साथ देना, तो इसको स्टोर कर लेना फर्स्ट में, और फिर सेकंड यहाँ पर 6 के साथ देना, तो इसको स्टोर कर लेना सेकंड में। फिर फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो नंबर आते हैं, वो तो सिंपल ट्रावर्सर के साथ पता चल जाएगा। अच्छा और क्या क्या वेरिएशन होते हैं, ये लोग बोल सकते हैं के स्मॉलेस्ट बोला है, और ये 6 लार्जेस्ट बोल सकते हैं, तो कुछ भी वेरिएशन दे सकते हैं। यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोले, यहाँ पर दोनों स्मॉलेस्ट है, के वन के टू दोनों स्मॉलेस्ट भी पूछे, कोई एक स्मॉलेस्ट पूछ सकते हैं, कोई एक लार्जेस्ट पूछ सकते हैं, ये वाला लार्जेस्ट पूछ सकते हैं, ये वाला स्मॉलेस्ट पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना इसमें, राइट। तो डिफरेंस से समझ में आ रहा है ना, कितने सारे अलग अलग वेरिएशंस अपन कर सकते हैं इन्हीं क्वेश्चन से। बस अपने को केस लार्जेस्ट आता हो, तो अपने केस लार्जेस्ट निकल के आ जाएगा। अपन एक बार फंक्शन कॉल कर लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो केथ लार्जेस्ट देता हो, केथ स्मॉलेस्ट देता हूँ मेरे को, ठीक है। तो केथ स्मॉलेस्ट फंक्शन बना लूंगा, जिसमें मैं एरे पास कर दूंगा और के पास कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ मेन से पास करा दूंगा, ये मेन फंक्शन है यहाँ पर, लेट्स से मेन से मैं इसको पास करा दूंगा यहाँ पर केथ स्मॉलेस्ट फंक्शन में। एक बार मैं एरे दूंगा और एक बार 3 दूंगा, तो फर्स्ट आ जाएगा मेरे पास, फिर मेरे पास सेकेंड आ जाएगा कहाँ से, केथ स्मॉलेस्ट फिर से पास करूंगा एरे, और यहाँ पर इस बार 6 दे दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट में 5 स्टोर हो जाएगा और सेकंड में 15 स्टोर हो जाएगा, राइट। आ रही बात समझ में। और उसके बाद मैं खाली एक बार मेरे को एरे की ट्रावर्सल करनी पड़ेगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से वहाँ तक पूरा आखिर तक एरे तक जाऊँगा, मैं चेक कर लूँगा इफ़ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन क्या है फर्स्ट, एंड एरे ऑफ आई इज लेस देन क्या है सेकेंड। सो मैं एक वेरिएबल बना दूंगा इंट सम, उसको इनिशियलाइज कर लूंगा सम को 0 से, इंट सम इज इक्वल टू 0, और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो इसमें बेसिकली 11 और 12 ऐड हो जाएंगे, आखिर में रिटर्न कर दूंगा मैं, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा सम, ये सम रिटर्न हो जाएगा, सिंपल है। आ रही बात समझ में, कैसे करा अपने अप्रोच। तो बेसिकली यहाँ पर के वन के टू दो बार दे रखे थे, तो ये दोनों इस बार स्मॉलेस्ट पूछे थे। कभी कभी क्या हो सकता है कि एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट पूछ ले, है ना, वो अपने वेरिएशन कितने सारे हो सकते हैं, पर तुम्हें घबराना नहीं है कि अरे ये के वन के टू कैसे निकालना है, के वन के टू जैसे निकालना है जैसे एक के निकाला था अपन ने,
राइट, बाद में सम कर लेना उनके बीच के नंबर का, एक बार ट्रावर्सल करके सम हो जाएगा, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा, थैंक्स।